भाई आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन तो खत्म हो चुका है और अब जो तैयारी है वो आईपीएल 2025 की स्टार्ट हो गई है। और गाइस जैसे जैसे अब चीजें आगे बढ़ेंगी एक से बढ़ के एक न्यूज आना स्टार्ट होगी। और मैं आपसे बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कैंप लगाती है वो आईपीएल स्टार्ट होने के लगभग 1.5 महीने पहले लगाती है। और इस बार का जो आईपीएल स्टार्टिंग है वो 14 मार्च पे, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स मिड जैन या लास्ट जैन से आपको कैंप लगाती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि लगातार अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो भाई वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि हम लाइव आ रहे हैं टेलीग्राम पे, जहां पे इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं आई सब्सक्राइब सिर्फ नीचे लिख दीजिएगा। टेलीग्राम पे हम रोज उनको शाउट आउट दे रहे हैं, उनसे जनरली पर्सनली बात भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे भी ये काम कर लीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब पे भी मैं लाइव आऊंगा जो कि इस संडे हो सकता है या फिर बहुत ही जल्द मैं लाइव आ जाऊंगा, तो वहां पे भी आपको शाउट आउट दे दूंगा। तो चलिए उसको फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की हमारी वीडियो रहने वाली वो काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज हम जो हडल सॉल्व करने वाले हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की करने वाले हैं। अब एक बार चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करेंगे, क्योंकि एक एक प्लेयर के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, आपको हर चीज अच्छे से समझा ही रहे हैं और आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें लगातार प्यार भी बरसा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेन्नई की ओपनिंग की। अब चेन्नई की ओपनिंग आप देखेंगे तो काफी ज्यादा शॉर्टेज आपको ओपनिंग लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चेन्नई की प्रायोरिटी ही जो थी उन्हीं को इन्होंने बैक किया है और कॉनवे को अपनी टीम में शामिल किया है। अब कॉनवे भैया शामिल है, कॉनवे को इन्होंने लिया है 6.5 करोड़ में, तो इनको ओपनिंग करवाना तो लाजमी की बात है। तो यहाँ पे कॉनवे ओपनिंग करेंगे और इनके साथ ऋतुराज गायकवाड खुद कप्तान करेंगे। अब काफी लोग कहते हैं कि गायकवाड को हम क्या करते हैं कि गायकवाड को हम नंबर 3 या नंबर 4 पर शिफ्ट कर सकते हैं और रचिन रविंद्र को ओपनिंग करवा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी थॉट चेन्नई का नहीं है। चेन्नई का सिर्फ से बस यही थॉट है कि हमारे जो पहले के ओपनर थे उसी को बैक करेंगे और इन्हीं को ओपनिंग करवाते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे फंगल लग रहा है, काफी लोग रचिन को बोल रहे थे, काफी लोग दूसरे को बोल रहे थे, बट मेरे हिसाब से चेन्नई साफ सुथरी राहुल त्रिपाठी के साथ जाएगी। देखो भैया राहुल त्रिपाठी के साथ आपको जाना काफी ज्यादा इजी भी पड़ेगा, क्योंकि राहुल त्रिपाठी एज अ प्रायोरिटी ये नंबर 3 पे ही बल्लेबाजी करते हैं और इंडियन कंडीशन को अच्छी तरीके से समझते हैं और एक अटैकिंग बल्लेबाज है। अब ये नहीं है कि राहुल त्रिपाठी आके आराम से शॉट टुक टुक खेल खेल के 2-3 रन बनाएंगे, ऐसा नहीं है। राहुल त्रिपाठी आते संग ही यहाँ पे बॉलर्स को धोना स्टार्ट करेंगे, एक अटैकिंग माइंडसेट से ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी बहुत फार बेटर है। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शिवम दुबे का नंबर 4 का पोजीशन काफी ज्यादा बेस्ट है, इन्हीं को हर साल उतारते हैं और मेरे हिसाब से चेन्नई इनको आगे पीछे करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फ्लो बनता जा रहा है। राहुल त्रिपाठी अच्छी तरीके से बैटिंग करेंगे, काफी तेजी से बैटिंग करेंगे। शिवम दुबे की बात करें तो ये भी यहाँ पे लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, यानी कि आपके ओपनिंग में लेफ्ट, फिर मिडल में यहाँ पे जो नंबर 3 पे राइट, फिर लेफ्ट, तो इस तरीके कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि काफी ज्यादा क्लियर कट है। उसके बाद फाइनली बात करें नंबर 5 पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दीपक हुड्डा को चेन्नई शामिल करेगी। विजय शंकर भी प्रायोरिटी है, बट मेरे हिसाब से विजय शंकर से पहले ये दीपक हुड्डा के पीछे जाएंगे और मेरे हिसाब से हुड्डा काफी अच्छी तरीके से इस पोजीशन में बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छे खासे रन भी बना सकते हैं और एज अ फिनिशर भी ये रोल निभा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सैयद मुश्ताक में ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो भाई फाइनल में बात करने वाले हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे काफी लोग सैम करन की बात कर रहे थे, बट मेरे पर्सनली व्यू से अगर मैं बात करूं और चेन्नई के पर्सनल व्यू से मैं बात करूं तो मैं जाऊंगा 6.5 फीट के इंसान ओवरटन के साथ। ओवरटन की बात करूं तो मेरे हिसाब से ओवरटन को नंबर 6 पे काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि चेन्नई एक अटैकिंग फ्लो के साथ जाएगी। अब काफी लोग हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे, लगातार पूछ रहे, भाई अपने पास कोई अच्छा अटैकिंग फिनिशर नहीं है, भैया ओवरटन आपके पास है और सैम करन से पहले आप ओवरटन को खिलाइए, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि ओवरटन की बात करें तो ये ऐसा बल्लेबाज है कि 12-13 बॉल अगर खेलता है तो 30-35 रन बनाने का ये जज्बा रखता है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। और बॉलिंग भी इनकी जो है वो 145 से 150 के बीच में बॉलिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से ओवरटन को ही सबसे पहले मौका चेन्नई दे और मेरे हिसाब से यहाँ पे ओवरटन है। नंबर 7 पे भैया जड्डू, जडेजा की सीधी प्रायोरिटी है कि नंबर 7 पे बल्लेबाजी करेंगे, एक लेफ्ट हैंडर है, अटैकिंग है और स्पिन भी डिपार्टमेंट से अच्छी तरीके से चेन्नई को संभालेंगे, तो यहाँ पे नंबर 7 पे। नंबर 8 पे धोनी, धोनी का सीधा सीधा बस एक ही मत मिथ है कि यहाँ पे धोनी क्या करेंगे कि जब 10 या 12 बॉल्स बची रहेंगी धोनी आराम से आएंगे, 10-12 बॉल में चेन्नई को 30 से 40 रन पहुंचा देंगे और अच्छी तरीके से वो चले जाएंगे, तो ये काफी अच्छी इनकी माइंडसेट है और इसी माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं।
नंबर आठ, नंबर नौ की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन नंबर नौ पे तक भी बल्लेबाजी है, और रविचंद्रन अश्विन भी अटैकिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं, और चेन्नई का बाई चांस काफी जल्दी जल्दी विकेट गिरने लगा तो आप अश्विन को ऊपर भेज सकते हैं, धोनी को नीचे भी आ सकते हैं, तो ये काम भी हो सकता है। और अश्विन मेरे हिसाब से नंबर नौ पे है और एक काफी अच्छी पिक है। नंबर दस पे यहाँ पे नूर अहमद, नूर अहमद भी बल्लेबाजी करते हैं, ये भी राशिद खान जैसे ही बल्लेबाजी करते हैं, इनका भी स्ट्राइक रेट लगभग 170-180 का है, तो नूर अहमद नंबर 10 पे काफी अच्छी तरीके से है, और स्पिनर स्पिन तो काफी तगड़ी ये करते ही हैं, इन्हें अगला राशिद खान बोला जा रहा है, और यहाँ पे नंबर 10 पे आने वाले हैं। नंबर 11 पे मैंने पथिराना को रखा है, नंबर 11 पे यहाँ पे पथिराना आते हुए नजर आएंगे, और पथिराना एक आपकी बात करें तो बैकअप तो नहीं है, फ्रंट लाइन पेसर है, और साथ में ये चेन्नई के सबसे बड़े डेथ बॉलर रहने वाले, तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। मैं एक इंपैक्ट प्लेयर की बात कर ले रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर जो आएंगे वो खलील अहमद आएंगे, और जब खलील अहमद जब मैदान उतरेंगे तो विकेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये दीपक हुड्डा को बैठा सकते हैं, अगर यहाँ पे पेसर्स को मदद मिल रही है तो आप शिवम दुबे के साथ जा सकते हैं, और पेसर्स को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है तो आप दीपक हुड्डा के साथ जा सकते हैं, और खलील अहमद आपके मेन 11 में रहेंगे जब बॉलिंग होगी। तो गाइस इस तरीके का पूरा यहाँ पे प्लेइंग 11 मैंने रच दिया है, अच्छी तरीके से प्लेइंग 11 को मैंने संभाल दिया है, आपको बता दिया है। अब आप बताइए कि इस प्लेइंग 11 में कौन सी चीजों को चेंजेस करने की जरूरत रहने वाली है, अपनी राय जरूर बताइएगा इसमें, जो जो चेंजेस होंगे आप बता दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आई सब्सक्राइब लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अर्जुन एनालिसिस के साथ।